गुड मॉर्निंग बच्चों, आरसी एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा उपसर्ग चल रहा था हमने, यानी कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, चार। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव। हमने तीन का तो अध्ययन कर लिया है, कौन कौन से का? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, इन तीनों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा है चौथा, क्या? उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव। हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दांश या उसे अवयव उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो ये शब्द हैं ये कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। और ये शब्द, कुछ शब्द हैं जो अवयव हैं वो किन के रूप में प्रयुक्त होते हैं? उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। इसमें देखो, ऐसे हम शब्द, ये अवयव है, अवयव से हम शब्द रूप बनाएंगे, यानी कि ए जो उपसर्ग है इसको जोड़कर हम शब्द बनाएंगे कि भाई कौन कौन से शब्द बनते हैं ए उपसर्ग जोड़ के। अन्य, अलम, आदि, कौन कौन से हैं ये अवयव? ए, अन्य, अलम, आदि, अंत, इति, का, कु, स्वम, सह, तिरस, पुरस, प्रादुर, पुनः, चिर, प्राकृ, प्रय, बहि, नय, पुरा, सत्य, सह, स्व। ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं या अवयव हैं जो हमारी हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह काम में आते हैं। ऐसे देखो, अकाल, अभाव, ठीक है, ये किससे बन गए? ए उपसर्ग से, यानी कि काल शब्द से आगे हमने क्या जोड़ा? ए जोड़ा तो अकाल हो गया, भाव से पहले ए जोड़ा तो क्या बन गया? अभाव। अन्न, अन्न से क्या होता है? अनंत, अनादि। अन्न किससे पहले अन्न जोड़ा कि अनंत हो गया? अंत से पहले अन्न जोड़ा तो अनंत हो गया, आदि से पहले अन्न जोड़ा तो क्या हो गया? अनादि हो गया। अलम, अलम क्या होता है? अलंकार, अलंकृत। ये क्या जोड़ा? अलम जोड़ दिया, कार में अलम जोड़ दिया तो अलंकार हो गया, कृत में अलम जोड़ दिया तो अलंकृत हो गया। अधः, अधः पतन। अधोलिखित, अध जोड़ दिया, पतन में अध जोड़ दिया तो अध पतन हो गया। अधोलिखित, लिखित में अध जोड़ दिया तो अधो लिखित हो गया। अंत, अंतस्थ, अंतस्थ होता है ना, अंतस्थ है, अंत पतन नहीं, अध पतन होता है। अंतःकरण, अंतःस्थ, अंतःकरण। इति से क्या हो गया? इति श्री। इति श्री, इति व्रत। का से? कापुरुष, काफल। कु से? कुपुत्र, कुसंगति, कुमार्ग, ठीक है। उसे स्वयं से क्या बन गया? स्वयंवर, स्वयंभू। सह से? सहपाठी, सहचर। सह का अर्थ होता है साथ, स्वयं का अर्थ होता है स्वयं। कु से बुरा, क
का पुरुष का फल। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे जो ये शब्द है ये किसके हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह काम में आते हैं, तो ये उपसर्ग हैं और इनसे हम क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। अब ये यहाँ तक हो गया, उधर से तिरस पुरस प्रादुर पुन चिर प्राकय प्रय बही न पुरा सत सह स्व ये बच गया। अभी ये देखो तिरस से क्या हो गया, तिरोभाव तिरस्कार, पुरुष से पुरस्कार, प्रादुर से प्रादुर्भाव, पुरुष से पुरस्कार हो गया, पुरुष से एक और होता है क्या होता है, पुरोहित, पुनःस्थिति, पुनःस्थापित, पुनः कर दो है दोबारा, चिर से चिरंजीव, चिरकाल, प्राकथन, प्रैसे प्रबल, प्रयोग प्रबंध, वही बहिर्गमन, बहिर्मुखी, नैसे नकल, नकारा, पुरासे पुरातन, सबसे सज्जन, सब कर्म, सबल सफल, स्वे से श्वेत, स्वदेश स्वधर्म, ये सारे क्या हुए जो उपसर्ग की तरह, ये सारे क्या हैं, अवयव हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ये किसके काम आते हैं, उपसर्ग के काम आते हैं। संस्कृत भाषा के ये शब्द हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्दांश हैं ये अवयव हैं जो हमारी हिंदी भाषा में अवयव की तरह, सॉरी उपसर्ग की तरह काम आते हैं। जो इस प्रकार है हमने अवयव लिखे हैं और इसके शब्द रूप ऐसे क्या बनता है, अकाल अभाव, अन से अनंत, अनादि अनादर, कुछ भी हो सकता है, अलम अलंकार अलंकृत, अध से अधर पतन, अधोलिखित, अंत अंत स्थ अंत करण, इति श्री इति व्रत का पुरुष का फल, कुपुत्र कुसंगति कुमार्ग, स्वयं से स्वयं वर, स्वयं भू, सह सह फाटी सहचर, तिरस से तिरो भाव, तिरस्कार पुरुष का पुरोहित, प्रादुर्भाव, पुनः से पुनः स्थिति, पुनः स्थापित, चिर चिरंजीवी, चिरकाल, प्राकर कथन, प्रय से प्रबल, प्रयोग प्रबंध, बहिर्गमन बहिर्मुखी, नय से नकल नकारा, पुरा से पुरातन पुराकाल, सत से सज्जन सत्कर्म, सह से सबल सफल, स्व से स्वदेश स्वधर्म। आज जो हमारे
उपसर्ग का जो टॉपिक है वो आज खत्म हो गया, कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय। आज मैं इनके बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है?